हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कविता 4 कठपुतली के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। कविता का नाम कठपुतली है और इसके कवि भवानी प्रसाद मिसर हैं। कठपुतली गुस्से से बोली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ पर कठपुतली का अर्थ है दूसरों के इशारे पर नाचने वाली। गुस्से से उबली का अर्थ है बहुत गुस्सा हो गई। पाँव पर छोड़ दो का मतलब है आज़ाद रहने दो या स्वतंत्र रहने दो। कवि कहता है कि कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्से में आकर कहने लगी, ये धागे मेरे शरीर के आगे और पीछे क्यों बांध रखे हैं, अर्थात मैं इन धागों में क्यों जकड़ी हूँ। तुम इन्हें तोड़ दो और मुझे आज़ाद कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि यहाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यहाँ पर और का अर्थ है अन्य सभी यानी दूसरी। मन के छंद का अर्थ है मन के भाव या मन की खुशी। यहाँ पर कवि कहता है कि एक कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा सुनकर अन्य सभी कठपुतलियाँ यानी दूसरी कठपुतलियाँ बोली, वे सभी कहने लगी कि हमें अपने मन में खुशी नहीं है, हम मन में मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर मगर का अर्थ है किंतु या परंतु, जगी का अर्थ है जागी, इच्छा का अर्थ है अभिलाषा। यहाँ पर कवि कहता है कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह मेरे मन में स्वतंत्र होने की कैसी इच्छा जगी है, अर्थात अब वह सब की जिम्मेदारी के बारे में विचार करने लगी कि क्या स्वतंत्र होकर सब खुश रह पाएंगी, क्या वे मन चाहा जीवन जी पाएंगी, क्या यह उनका कदम ठीक होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो।